लक्ष्मण मिश्रा नाम का व्यक्ति ट्विटर पर आरक्षण के खिलाफ जहर उगल रहा है। वह लिख रहा है, आरक्षण ऐसा नशा बन गया है जिसके इलाज के लिए अभी तक कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं बना है, इसलिए इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, बंद करो आरक्षण, बंद करो आरक्षण। आइए जानते हैं लक्ष्मण मिश्रा कौन है। ट्विटर पर जाकर देखा तो पता चला कि लक्ष्मण मिश्रा कौन है। आपको बता दें कि लक्ष्मण मिश्रा संस्थापक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सेवा संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संस्थापक है। लक्ष्मण मिश्रा के आईडी पर लिखा गया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण मिश्रा आरक्षण के खिलाफ ट्वीट कर रहा है, लिख रहा है, जिसका काफ़ी ट्वीट वायरल हो रहा है और लोग वायरल कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग रिट्वीट करके जो है सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मण मिश्रा ने दूसरे ट्वीट में लिखते हुए कहा है कि अगर समय रहते आरक्षण नहीं हटाया गया तो मैं समझता हूं संविधान को जलाने में कोई दोष नहीं है। देश समानता के अधिकार से चलना चाहिए, न कि संविधान से जिसमें हमारे भविष्य को जंजीर में बांध दिया गया है। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, मैं आरक्षण विरोधी हूँ। लक्ष्मण मिश्रा अगले ट्वीट में लिखता है, कुछ स्वरों को लगता है आरक्षण का सहारा लेकर सवर्ण से आगे निकल जाएंगे। अबे गधो, जो तुम्हारे बाप दादा से नहीं हुआ वो तुम क्या कर पाओगे। आगे लिखता है, अपनी औकात पहचानो और औकात में रहना सीखो, क्योंकि चाणक्य आज भी हमारे दिल और दिमाग में है। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ। आपको बता दें कि लक्ष्मण मिश्रा के इस ट्विटर आईडी को भीमराज दस्तक पुष्टि नहीं करता है, ये फेक आईडी है या सही आईडी है। देखिए किस तरह से मनुवादियों की चाल है कि सोशल मीडिया पर खुलेआम संविधान जलाने की बात कर रहे हैं। मनुवादी लक्ष्मण मिश्रा लिखता है, अगर समय रहते आरक्षण नहीं हटाया गया तो मैं समझता हूँ संविधान को जलाने में कोई दोष नहीं है। बहुजन समाज के लोग ट्विटर पर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि लक्ष्मण मिश्रा पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करिए, इनको गिरफ्तार करिए और देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी कीमती प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। इस मनुवादी लक्ष्मण मिश्रा को गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।